हम लखीमपुर में हैं और लखीमपुर के पीछे ये मेंढक मंदिर है। इस मेंढक का मंदिर का निर्माण 1755 में राजा भक्त सिंह ने कराया था। ये मेंढक मंदिर असल में शिव मंदिर है, लेकिन सामने एक मेंढक की ऐसी बड़ी आकृति है जिस पे ये पूरा मंदिर, अगर आप दूर से देखेंगे तो लगेगा इस मेंढक पर ही पूरा मंदिर टिका है। इसे तांत्रिक मंदिर भी कहा जाता है। इसमें तमाम साधु संत यहाँ पर तंत्र विद्या का भी प्रयोग करते है। अगर आप इसके ऊपर और तमाम चीजों को देखेंगे तो आपको विभिन्न आकृति के चित्र ऐसे दिखाई देंगे कि कभी कभी आपको देखने से डर भी लग सकता है। इस मंदिर की कहानी भी बहुत पुरानी है। इस मंदिर की कहानी 1755 से पहले शुरू होती है। राजा भक्त सिंह ने, जो इनकी हवेली भी बगल में ही है, एक बार गोसाई सेना को हरा दिया था। गोसाई सेना को हराने के बाद जो पैसा आया था उसी से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके पीछे भी एक कहानी है। पहले तो गोसाई सेना को हराने के बाद लूटा हुआ सारा धन राजा भक्त सिंह के हवेली पर आया, लेकिन उसके बाद से गांव वालों और प्रजा वालों का कहना था कि उस पैसे से राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी वजह से, क्योंकि उस सेना में अधिकतर लोग ब्राह्मण थे, इसी वजह से राजा भक्त सिंह ने यह फैसला किया कि उस पैसे से शिव का एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। उसके बाद से एक स्थापना होती है 1755 ईस्वी में लखीमपुर में मेंढक मंदिर की। आप इस मंदिर को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक शिवलिंग है। कहा जाता है ये शिवलिंग नर्मदा नदी से है और इस शिवलिंग दिन भर में 3 बार कलर चेंज हो जाता है इस शिवलिंग का। यहाँ के लोग जो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं वो तीनों रंगों का एक साथ दर्शन भी करते हैं। इस मंदिर के पीछे और भी बहुत सारी धारणाएं हैं। चूँकि मैंने शुरुआत में ही कहा है ये तांत्रिक मंदिर है, इसलिए इसके ऊपर जो आप ये चक्र देख रहे हैं ये सोने का बना हुआ चक्र है और इस चक्र को उसी समय लगाया गया था। तंत्र विद्या के अनुसार ये चक्र पूरी गोलाई में ये परिक्रमा करता था। सूरज जिधर से निकलता था और सूरज जिधर अस्त होता था उतने पूरी धुरी पर ये चक्र घूमता था। लेकिन कुछ वर्षों पहले इस चक्र को चोर चुरा ले गए। अब ये चक्र आप जब देखेंगे तो ये आधा दिख रहा है, आधा चक्र चोरी हो चुका है। चक्र के चोरी होने के बाद शायद अभी वर्तमान अवस्था में ये नहीं घूमता है, लेकिन जानकार यहाँ के बताते हैं कि पहले सुबह के सूरज के उठने के साथ जब सूरज उगता था तब ये चक्र घूमना शुरू कर देता था और सूर्यास्त जिधर होता था चक्र की दिशा भी उधर होती थी। इस मंदिर के एक और रहस्य है। इस पूरे भारत में जब आप शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो आपको नंदी हर जगह बैठी अवस्था में दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको नंदी खड़े हुए दिखाई देंगे। यहाँ इसका क्या कारण है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा कि जब इस मंदिर की स्थापना की गई तो वहाँ नंदी को बैठा हुआ नहीं बल्कि खड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, ये जब देखेंगे तो यहाँ पर 4 मीनारें हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 मीनारें आपको दिखाई दे रही होंगी। जब राजा भक्त सिंह राज व्यवस्था का भारत में प्रचलन था तो उस वक्त यहाँ उनके सैनिक भी यहाँ रहते थे और जो उसकी जगह है, जो जंगले आपको दिखाई दे रहे हैं, सैनिक उसी रास्ते दुश्मनों को भी देखते थे। बगल में ठीक राजा की हवेली है उस पर भी नज़र रखते थे और इस मंदिर पर भी नज़र रखते थे। इस मंदिर के नीचे एक भूल भुलैया भी है और एक सुरंग भी जाती है जो सीधे राजा के हवेली तक जाती है। बताया जाता है कि रानी उसी सुरंग के रास्ते इस मंदिर में दर्शन करने, भगवान शिव के उस रूप का दर्शन करने जो दिन भर में 3 बार जिसका रंग चेंज हो जाता है, उस रूप का दर्शन करने भी यहीं पर आती थी। तो वो सुरंग को भी बंद कर दिया गया है फिलहाल, लेकिन वो भूल भुलैया को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर आप कभी लखीमपुर आ रहे हैं तो लखीमपुर में ही ये मेंढक मंदिर है, बड़ा ही पुराना है। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक काफ़ी अधिक मात्रा में आते रहते हैं और इसको देखते हैं। लेकिन इस मंदिर की हालत, चूँकि इतने पुराने मंदिर होने के नाते इस मंदिर की हालत उस हिसाब से, पौराणिक व्यवस्थाओं के हिसाब से इतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। भारी संख्या में भी लोग आते हैं, शिव के प्रति आस्था रखने वाले शिवरात्रि में भी यहाँ आते हैं, सोमवार के दिन भी यहाँ भीड़ होती है। लेकिन जो पौराणिक हिसाब किताब है और जो दार्शनिक और तमाम वास्तु और तांत्रिक विद्या का जो यहाँ पे अजीबोगरीब संगम दिखाई देता है, तमाम तरीके की मूर्तियाँ जो ऊपर लगे हुए छत्ते हैं, देखने से ही लगता है कि यहाँ तंत्र और मंत्र का गजब का चक्कर है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, हम लखीमपुर में थे तो हमने सोचा कि आपको ये मंदिर जरूर दिखाएं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? ये मंदिर राजा भक्त सिंह ने बनवाया था, ये तकरीबन 200-250 साल पुराना है। और यहाँ में मंदिर में 3 बार जब शिवलिंग है तो 3 बार रंग बदलता है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार शाम को। और यहाँ पर जो इसका ऊपर टॉप में जो लगा हुआ है वो अष्ट धातु का बना हुआ है। ये मंदिर है मेढक मंदिर, जिसको नर्देश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मेढक है, इस पर मतलब मेढक की संरचना है और फिर जो शिव भगवान जी हैं, ठीक है, वो विराजमान है। और जिनको ये बनाया था इन्होंने, ओल्ड वंश के शासकों ने, जैसे बाढ़ होता है, सूखा होता है, ठीक है, कि मतलब वो ना पड़े, बारिश के लिए होती रहे, इसलिए ये बनवाया गया था। ये मेढक मंदिर है ओल का, वो यहाँ पे एक यहाँ की खास बात है, ये जो अंदर शिवलिंग है ये कभी कलर भी चेंज होता है, नीला या रेड, या कभी भी हम जानते तो नहीं इतना, क्योंकि मेरे पापा बाबा लोग बताते रहते हैं कि यहाँ का मेढक मंदिर है, जो मेढक मंदिर है मगरमच्छ के नीचे है, फिर उसके ऊपर मेढक मंदिर है, फिर उसके ऊपर शंकर जी का मंदिर आया है। ये मगरमच्छ से नीचे, इसके ऊपर मेढक मंदिर है, फिर उसके ऊपर शंकर जी की मठिया रखी है शिवलिंग। ये शिवलिंग का कभी कभी इसका कलर भी चेंज होता है, मठिया का कभी सफ़ेद है, इस टाइम तो सफ़ेद होगी, कभी मिट्टी कलर होती है, कभी कभी चेंज होता रहता है कभी कलर, हम लोग देखा नहीं है क्योंकि सब लोग बताते रहते तो पता है। बाकी यही, और इसमें एक भूलभुलैया भी थी पहले, इस साइड में थी भूलभुलैया, तो वो बंद हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूलभुलैया थी, तो सब जाते थे तो उसमें गुम हो जाते थे इसीलिए। दोस्तों, ये वही अद्भुत शिवलिंग है जिसका स्वरूप दिन भर में अपने आप 3 बार बदल जाता है। इस शिवलिंग का कलर दिन भर में अपने आप 3 बार अलग अलग बदल जाता है। जो आप कलर देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष दिख रहा है अभी, और कुछ देर बाद इसका कलर बदल कर काला हो जाएगा, तो कुछ देर बाद इसका कलर बदल कर सफ़ेद हो जाएगा। इस शिवलिंग का दर्शन करने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, इस अद्भुत मंदिर को देखने भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और ये अद्भुत नंदी हैं, आप कभी भी नंदी की प्रतिमा देखे होंगे तो नंदी आपको हर जगह बैठे हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन यहाँ पर नंदी की जो प्रतिमा है वो खड़ी है। ये क्यों है इसका कारण हमें नहीं पता चला, लेकिन आप जब भी कहीं पर नंदी देखेंगे, शिव के बगल में नंदी देखेंगे, तो वो नंदी की प्रतिमा सदैव बैठी रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको नंदी खड़े दिखाई देंगे, शिव के सामने खड़े दिखाई देंगे। इस मंदिर के प्रांगण में लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और ये लोग काफ़ी दूर से आए रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कभी भी अगर लखीमपुर आएँ तो इस मेंढक मंदिर के इस विशाल मंदिर का दर्शन जरूर करने जाएं। ये मंदिर जितना पुराना है उतना ही अद्भुत है। ये कुआं जो आप देख रहे हैं इसे अमृत कुआं कहा जाता है। इस कुएं का पानी बहुत पवित्र है, और अभी भी इस कुएं से पानी निकाल कर भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जाता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ये काम करूँ, इस कुएँ का पानी भी पीऊँ और भगवान शिव का जलाभिषेक भी करूँ। इस कुएँ में लोग स्वतः बाल्टी डालते हैं, रस्सी खींचते हैं और पानी निकालते हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि मंदिर समुद्र स्थल से काफ़ी ऊंचे स्थान पर है, और पानी जो है वो ज़मीन पर दिखाई देता है। मतलब मंदिर से मैं काफ़ी, देखिए, ऊंचाई पे खड़ा हूँ, लेकिन जहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है वो नीचे का ज़मीन का हिस्सा है। ये भी अपने आप में अद्भुत है। ये आप जो स्वरूप देख रहे हैं, ये मंदिर के दीवारों पे इसी तरह के मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसी तरह के चिन्ह बने हुए हैं, इसी तरह के प्रतीक बने हुए हैं। ये किनके हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी देखने से ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अद्भुत, विचित्र, और कभी कभी तो मुझे देखकर डर सा भी महसूस होने लगता है कि ये अद्भुत मूर्तियाँ किसकी हैं। इतनी विशाल विशाल मूर्तियाँ जिसे देख कर भय प्रतीत होने लगे, वो आखिर किसकी हैं? यह मैं शुरुआत में ही आपको दोस्तों बता चुका हूँ कि ये तांत्रिक मंदिर है। देश और दुनिया भर से तमाम हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले, तांत्रिक तंत्र विद्या को सिद्ध करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं और अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं।
और वो इसी मंदिर के प्रांगण में होता है। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि हर अमावस्या की रात में यहाँ पर बड़ी बड़ी पूजा होती है, जहाँ पर देश भर से तमाम तांत्रिक आते हैं, जो अपनी तंत्र सिद्धि को करने में भी लगे रहते हैं, कोई तांत्रिक कार्य करने में भी लगे रहते हैं। आप इन विचित्र मूर्तियों को, इनकी चिन्हों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज से 100-200 साल पहले भी जो मंदिर की आकृतियाँ बनती थीं वो इतनी दुर्लभ तरीके से बनाई जाती थी। अभी भी आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जान फूट पड़ेगी, इतनी अभी भी ये टूटी नहीं है और तब के उस दौर की हैं, जिस दौर में सीमेंट नहीं हुआ करता था, जिस दौर में सीमेंट कभी था ही नहीं, लेकिन उस दौर की ये मूर्तियाँ अभी भी सुरक्षित हैं। तो अगर आप कभी लखीमपुर आ रहे हैं तो इस मेढक मंदिर में ज़रूर जाइएगा। मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। हम लखीमपुर में थे तो हमें लगा कि आपको मेढक मंदिर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पौराणिक दृष्टि से देखेंगे, साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे और अगर आप पुराने शिव के भक्त हैं उस दृष्टि से भी देखेंगे तो ये आपके लिए उपयोगी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब वीडियो के बारे में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेढक मंदिर कब जा रहे हैं या आपने कभी मेढक मंदिर देखा है या नहीं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।